हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है किताब ई कीड़ा। और यू नो, मैं इतने दिनों तक बिजी था क्योंकि मेरे खुद के बहुत सारे काम थे, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया था। तो फाइनली आज मैं वीडियो डालने जा रहा हूँ। तो आज का जो वीडियो है, दिस इज रिगार्डिंग अपडेट्स जो CBSE यू नो अपडेट्स दे रहा है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए रहना चाहते हो देन प्लीज सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की मदद कर सकूं। और मैं खुद चाहता हूं कि मेरा जो चैनल है वो मैंने आप ही के लिए स्टार्ट किया है, तो ये धीरे धीरे ग्रो कर सके, जहां पे यू नो मैं आपको यूजफुल एडवाइसेस दूंगा और बुक रिव्यू तो जरूर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यू नो, इन दिनों बहुत सारे अपडेट्स आ रहे थे। यू नो, कुछ अपडेट्स ऐसे थे यू नो जो एग्जाम पैटर्न को लेकर था, कुछ यू नो मार्क्स क्राइटेरिया को लेकर बनाया गया था। कहीं पे ऐसा भी अपडेट है कि यू नो जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल बोर्ड के जो एग्जाम्स है उनको कैंसिल किए गए। तो ऐसे बहुत सारे अपडेट्स आ रहा है, ठीक है। ये जितने भी अपडेट्स हैं, ये सारे अपडेट्स बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए है, राइट, जो क्लास 10 और क्लास 12 में है। लेकिन यू नो नॉन बोर्ड वाले स्टूडेंट्स का क्या, ओके? नॉन बोर्ड वाले स्टूडेंट्स का क्या, जो यू नो क्लास 8, 9 और 11 में पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या? यू नो, तो जो नॉन बोर्ड वाले स्टूडेंट्स है, ये स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं यू नो अपने पढ़ाई को लेकर, अपने एजुकेशन को लेकर थोड़े से लीनियंट हो चुके हैं। क्योंकि आए दिन जो है मेरे स्टूडेंट से बातें होता रहता है, आए दिन मैं उनसे बात करता हूँ और वो मुझे बताता है कि दादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से स्टार्ट करें। स्कूल्स को रीओपन तो किया गया है, लेकिन यू नो बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कूल्स को नहीं जा रहे हैं और कॉलेजेस भी यू नो शिफ्ट वाइज पे है, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन हो चुका है। इवन यू नो सिलेबस को भी रिड्यूस कर दिया गया है 30%। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सिलेबस को जो रिड्यूस किया गया है, तो वो अलग बोर्ड के लिए अलग रिड्यूस किया गया है। CBSE बोर्ड के लिए जो रिडक्शन है वो अलग है, और जो बाकी स्टेट बोर्ड्स के लिए वो रिडक्शंस भी अलग है। तो इसके चलते बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज्ड है। याद रखना, आपके सिलेबस में चैप्टर्स के अंदर से टॉपिक को रिड्यूस किया गया है, राइट? आपको आपके चैप्टर्स को रिड्यूस नहीं किया गया है, चैप्टर के अंदर के टॉपिक्स को रिड्यूस किया गया है। और जितने भी टॉपिक्स रिड्यूस किया गया है, 30% ही हो, मैं अपने वीडियोस पे ये कह रहा हूँ, इस बात को बहुत पहले से कह रहा हूँ कि वो सारे टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, तभी जाके यू नो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो यू नो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं बनने वाले। तो आपको थोड़ा सीरियस होना है, आप इस तरीके से यू नो कैजुअल नहीं हो सकते, आप इतना लीनियंट अपने स्टडीज को लेकर बिल्कुल नहीं हो सकते। क्योंकि यू नो क्लास 9, 10, 11, 12, ये चार जो क्लासेस है, दीज क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ योर लाइफ। अगर आप लीनियंट होते हो तो यू नो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है वो इम्पैक्ट आपके करियर पे जरूर पड़ेगा। देखो, लास्ट ईयर क्या हुआ था कि बहुत सारे जितने स्टूडेंट्स थे जो नॉन बोर्ड वाले स्टूडेंट्स थे, उनको प्रमोट कर दिया गया था, ओके, उनको प्रमोट कर दिया गया था। लेकिन इसमें एक चीज जो आपको समझना है वो ये था, क्लासेस जो थे वो एज यूजुअल चल रहे थे और यू नो आप स्कूल में भी जा रहे थे, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। बस ये था कि लास्ट में ड्यू टू कोविड एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया गया था और किसी भी तरीके का जो रिडक्शन है, सिलेबस रिडक्शन, वो नहीं हुआ था। आपने पूरा सिलेबस को ही पढ़ा। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है, प्लस स्कूल्स को पार्शियली खोला गया है, स्कूल्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जा रहे हैं, कॉलेज भी यू नो बहुत अच्छी तरीके से कॉलेजेस नहीं हो रहा है, और कुछ कॉलेजेस में या फिर स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, राइट? और ऑनलाइन क्लासेस में यू नो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस जो है वो क्लासरूम वाला एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करवा सकता। आप जितना भी ऑनलाइन क्लासेस कर लो, ऑनलाइन क्लासेस का क्लासरूम वाला एनवायरनमेंट तो प्रोवाइड नहीं करवा सकता। यू नो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, दे आर जस्ट लाइक ए काउच पोटैटो, यू नो मतलब क्या करते हैं कि वीडियोज देख रहे हैं एक सोफा में लेटे लेटे। तो इस तरीके से तो ऑनलाइन क्लासेस करना, तो मतलब क्लासेस करना ना करना ये एक ही बात है। तो अब जो है, अब जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी देखो टीचर्स की नहीं है, टीचर्स तो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, टीचर्स दे आर टेकिंग देयर क्लास रेगुलरली ऑन ऑनलाइन बेसिस। लेकिन उसके बाद जिम्मेदारी है स्टूडेंट्स की, यानी कि आपकी जिम्मेदारी है, राइट? अब आपको अपने लिए पढ़ना है, आपको बिल्कुल भी कैजुअल नहीं होना है, किसी भी तरीके की लीनियंसी नहीं दिखाना है, आपको अपना यू नो सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ना है। और 30% नहीं, पूरे सिलेबस को आपको पढ़ना है। अब आप मुझसे ये मत पूछना कि दादा हम पढ़े कहाँ से, तो इसका जो आंसर है मैं ये कहूंगा कि यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे यू नो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, जहां पे सारे सिलेबस यू नो डिस्कस किया गया है, सारे यू नो टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है, आप वहां से पढ़ सकते हो। लेकिन अगर यू नो आप ये समझते हो कि इस बार भी आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा नहीं किया जाएगा वो बात की बात है, लेकिन आपको वो सोचना ही नहीं है, ओके? आपको वो सोचना ही नहीं है। आप खुद पूछो, आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, क्या आप चाहोगे कि आप
प्रमोट हो रहे हो नेक्स्ट क्लास पे विथ जीरो कॉन्सेप्ट। आप क्या चाहते हो कि विथ जीरो कॉन्सेप्ट के साथ आप प्रमोट हो? वैसा कोई भी नहीं चाहता। ओके तो इसीलिए मेरा आपसे ये एडवाइस है, मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप बिल्कुल भी लीनियंट मत होना। जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो आप उसी तरीके से पढ़ो। ओके ये नॉन बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 10, 12 के स्टूडेंट्स जो है वो लोग मेहनत कर रहे हैं, उनका मेहनत मुझे दिख रहा है, वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो 9 और 11 के स्टूडेंट्स है वो बहुत ज्यादा कैजुअल, हद से ज्यादा कैजुअल हो चुके हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। आपको प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और अगर किया जाएगा तो किस तरीके से किया जाएगा, कब एसओपी रिलीज होगा, इन सारी बातों के चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है, आपका काम है बस पढ़ना। तो प्लीज आप अच्छे से पढ़ो, डू नॉट बी कैजुअल विथ योर स्टडीज, दैट्स इट। ओके थैंक यू।